अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर फैज़ान, मैं कल परसों क्लिनिक जा रहा था, रास्ते में मुझे गाड़ी चला रहा था तो मुझे आवाज़ आई एम्बुलेंस की। एक सेकंड गुजरा, 2 सेकंड गुजरे, 3 सेकंड गुजरे, कुछ और सेकंड गुजरे, मैं देख रहा हूँ किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो बेचारा तड़प रहा है एम्बुलेंस वाला, किसी इतना जगह मिल जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना कोई जगह दे रहा है। और जैसे ही एम्बुलेंस वाले को जगह मिली, फ़ौरन 2 बाइक वाले और 1 गाड़ी वाला उसके पीछे लग गया कि चलो हम भी इस चक्कर में निकल जाएंगे फिर जल्दी से। कैसे लोग हैं यार ये। अब आ जाएं आप उन लोगों पे जिनको अगर मैं ट्रैफिक पुलिस में होता तो मुझे पहले दिन ही नौकरी से निकाल देते, क्योंकि मैं फाइन तो उनके हाथ में देता लेकिन उनके गाल के नीचे भी एक रसीद देता मैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ड्राइविंग की लाइफ हराम की हुई है। नंबर 1, ये वो लोग हैं जिनका लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई काम नहीं है इनको ज़िंदगी में। ये बस सड़क पर आते हैं और सबसे फास्ट लेन में आएंगे 5 की स्पीड से चलाते रहेंगे, पीछे वाले को बस तपाना एम है इनका, आराम से चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। जब पीछे वाला बहुत गुस्सा आएगा टीमा टीमा करके लेफ्ट सिग्नल के उनके आगे से निकल जाएगा, ये फिर आगे से उसी रोड पे यू टर्न करके आएंगे और फिर किसी और के आगे लग जाएंगे और फिर घड़ते रहेंगे। भाई फर्स्ट लेन फास्ट लेन होती है, अगर आप हनीमून पे आए तो सबसे लेफ्ट वाली लेन में चले जाएं और आराम से इधर घूमते रहें। ओहो बहुत ज़बरदस्त शहर है। दूसरे, ये वो लोग हैं जिनको एकदम से दौरा पड़ता है या याद आता है ओ वो तो कट तो पीछे था, अब कट चाहे पीछे रह गया हो इन्होंने एकदम से मोड़ देंगे बस। अब आप पीछे वाली गाड़ी में आप देख रहे हैं भाई क्या हो गया इसको एकदम से, ये देखें ये नज़र आ रहा है आपको, इसे कहते हैं लाइट पीछे वाली। ये कोने वाली लाइट जो है ना, ये इंडिकेटर होता है जो आप गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग के साइड से दबा सकते हैं ताकि पीछे वाले को आपके दौरा पड़ने से पहले पता लग जाए कि ये राइट मोड़ने वाला है, तो एक्सीडेंट के चांस कम हो जाएंगे, इसको यूज़ करें। तीसरे, ये वो लोग हैं जिनका जब मूड होगा जहाँ मूड होगा ये गाड़ी रोक देंगे वहाँ। अब चाहे पीछे 25 किलोमीटर की जो है वो ट्रैफिक जैम हुआ हुआ, आंटी आगे खड़ी फ्रूट ले रही हैं। अब आ जाए उन लोगों पे जिनके आप जहनी तवाज़ुन के बारे में सोचते हैं कि यार ये ठीक भी है ये बंदा। ये वो लोग हैं कि मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं जिस स्पीड से आप जा रहे हैं उसी स्पीड से उसी लेन में आपकी तरफ वो बंदा आ रहा है, आप सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा होता है, वो आपकी तरफ ही आ रहा है आप ही की लेन में फुल स्पीड वन वे के अगेंस्ट, क्योंकि वहां से कट जो है ना करीब था इसलिए पूरा घूम के नहीं आना था उसने। इसका ना गाड़ी से ताल्लुक है, ना बाइक से, ना अमीर से, ना गरीब से, या पढ़े लिखे से ना अनपढ़ से, कोई ताल्लुक नहीं है। ये घटिया हरकत है हाईएस्ट ऑर्डर की जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब कोई एक्सीडेंट होता है वो देखो गाड़ी वाला मार के चला गया। 5वीं टाइप, ये भाई साहब सीधा घर जाके ही रुकेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता चाहे ये बाइक पे हो या गाड़ी पे। बाइक की ब्रेक तो छोड़ें, इनके तो दिमाग में ब्रेक्स नहीं है, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं ठीक है और जगह कम है, मतलब समझें अगर आपकी गाड़ी में और फुटपाथ में कोई 2 केले की जगह है, तकरीबन 2 केले आ सकते हैं बैक टू बैक, एक ये केला यहाँ एक केला यहाँ और इतनी सी जगह है सिर्फ, ये भाई साहब यहीं से बाइक घुसेड़ के ना निकल जाएंगे आगे। अगर उससे भी कम जगह आधा केला की जगह है ये फुटपाथ पे चढ़ा देगा फिर वहाँ से निकाल देगा, रुकेगा नहीं ये। और अगर सिग्नल आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहतरीन उसमें से तोड़ते हुए जाएंगे ये 2 केले की जगह। अगर आपकी गाड़ी के नीचे भी जगह हुई थोड़ी सी ज़्यादा वहीं से निकाल के ले जाएगा ये। 6, ये वो लोग हैं जिनको बचपन में मैथ्स बहुत पसंद थी, ये सबसे लेफ्ट वाली लेन में होंगे और वहाँ से फिर एक टेंजेंट बनाएंगे और पूरा सब गाड़ियों के सामने से होते हुए गालियाँ खाते हुए पूरी राइट वाले लेन से यू टर्न करते हुए निकल जाएंगे, दिमाग ठीक है आपका। 7, ये वो लोग हैं जो समझ रहे हैं मौत एक कुएं में गाड़ी चला रहे हैं, अगर बाइक पे होंगे तो हेलमेट भी नहीं होगा और बाइक के ऊपर लेट के जा रहे होंगे, और अगर गाड़ी में तो आपको ऐसे कट मारते हुए जा रहे होंगे आपका हार्ट पूरा आप पीछे वाली गाड़ी में राइट लेफ्ट हो जाएगा और आप बस ये बोलेंगे यार ये पागल मरेगा। इससे कोई इंप्रेस नहीं हो रहा, इससे आपसे अपने और दूसरों के एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आप जब गिरेंगे तो आप तो मरेंगे लेकिन पीछे वाले गाड़ियों का भी एक्सीडेंट होगा और उनमें से भी किसी की जान जा सकती है। और ये वही लोग हैं जो अगर बच गए तो अगले सिग्नल पे आपको खड़े मिलेंगे सारी कटे वटे मारने के बाद भी ना वहीं खड़े में जहां आप खड़े में। अरे यार एक लोगों को तो मैं भूल ही गया, ये वो लोग हैं शायद इनका कानों का मसला है, इनका हाथ जो है स्टीयरिंग पे नहीं होता सिर्फ हॉर्न पे होता है, टी पोंटी 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 पों बताते रहेंगे बजाते रहेंगे बजाते रहेंगे, जिस तरह सांस ले रहे ना ये उस तरह टी पोंटी पों साथ में बजाते रहेंगे। यह सिग्नल अभी खुला भी नहीं हुआ, सिग्नल ने अभी सोचा है कि मैं खुलने वाला हूँ, टी पोंटी पोंटी पों। मेरे भाई मेरे आगे गाड़ी है, क्या उड़ा के ले जाऊँ गाड़ी में ऊपर से उसके? और अगर आपने इनको कन्फ्रंट किया कि यार ये क्यों बजाए जा रहे हो हॉर्न, भाई मेरे आगे गाड़ी है, सर मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपके आगे के आगे के आगे वाले बंदे को जाए उसको हॉर्न मार रहा हूँ मैं, भाई थोड़ा सब्र कर लें या साइड से निकल जाए मेरे, नॉइस पोल्यूशन ना बताएं। ये वो लोग हैं शायद पता नहीं आपको बहुत पसंद करते हैं क्या है, समझ नहीं आती मुझे इनका क्या, ये बिल्कुल आपके बिल्कुल बम्पर जो है ना उसके बिल्कुल चिपका के रखेंगे, अगर आपने हल्की सी ब्रेक मारी ना ये आपके पिछले वाली सीट पे बैठे हुए होंगे। बम्पर टू बम्पर गाड़ी और बाइक ना घुसेड़े, अगली गाड़ी और अपनी गाड़ी के बीच में एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए ताकि अगर अगले बंदा ब्रेक मारे तो आप उसकी पिछली वाली सीट पर ना बैठे हों। प्लीज़ सीट बेल्ट बांधें, आगे वाले लोग भी
पीछे वाले लोग भी, अगर पीछे नहीं है तो मैं हुकूमत से कहूंगा कोई गाड़ी को सड़क पे आने मत दें जिसकी पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट ना हो, और उसको बांधें, उसको बाईपास करके सीट को पना दिया, चलो यार आवाज बंद हो गई। हाँ मैं बहुत अकलमंद हूँ, मैंने सीट बेल्ट का क्लिप आता है वो गुल प्लाजा से लिया है मैंने, वो लगा दिया, आवाज सीट बेल्ट की बंद हो गई। बेवकूफ सीट बेल्ट के इन्वेंटर्स, बकवास चीज है ये, अकलमंदी नहीं है ये, बेवकूफ़ी है आपकी। आप ही के मरने के चांसेस अब 50-100% हो गए, अगर आप सीट बेल्ट पहन लेंगे तो आधे चांसेस हो गए, प्लीज सीट बेल्ट बांधे। आखिरी चीज जो इन सब में कॉमन है और वो है कि हम सारे बेसब्र हैं, थोड़ा पेशेंस डेवलप करें, कुछ सब्र करना सीखें, अगले बंदे को जगह दे दें आने की, आप मर नहीं जाएंगे। ट्राई करके देखें, 1.5 घंटे की फ्लाइट के अंदर हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, जैसे ही लैंड करेंगे सारे रूल्स फॉलो करेंगे, यहाँ पे भी कर लें। काफ़ी दफ़ा इमरजेंसी के आउटकम डायरेक्टली लिंक्ड है टाइम से, मतलब जितनी जल्दी एम्बुलेंस पहुंचेगी पेशेंट के पास उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट बच जाए। इमरजेंसीज की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो कैटेगरी 1 है, जिस तरह सांस नहीं आ रही या हार्ट बीट नहीं चली, कार्डियक अरेस्ट हो गया, एवरेज 7 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उसके दरवाजे पर होती। हमारे यहाँ क्या सीन है, सिस्टम्स भी स्ट्रांग नहीं है इतने, एम्बुलेंसेज भी इतनी नहीं है, ऊपर से आवाम भी जाहिल है। जब एम्बुलेंस ने सायरन ऑन किया, आप जिस भी लेन में हो, आपने गाड़ी जैसे फिजिबल हो आपने हटानी है। ये होता है सिविलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्रीज में, और क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, इसलिए इन सब चीज़ों का उनको पहले से पता है। हमारे यहाँ वैसे भी 2 घंटे में लाइसेंस मिल जाता है अगर आप उल्टी गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं, और पैरेलल पार्क कर सकते हैं बस। तो ना किसी ने रूल्स पढ़े हैं, ना उनका पता है, और ना आपको चलान होगा अगर आप एम्बुलेंस को जगह ना दें। बाहर आपका इस पर चलान होता है, चलान ना भी हो, इंसान नहीं है आप, क्या बिजनेस एज यूजुअल कैसे है आपके लिए? अगर हमारे पीछे सायरन बजे, हम सबसे पहले वेरीफाई मोड में आ जाते हैं कि पहले देखते हैं कि एम्बुलेंस में है कोई नहीं है। बगैर पेशेंट के खाली एम्बुलेंस में दोबारा ऐसी जगह नहीं देना इसको। कुछ लोग और दिमाग अपना लगा रहे होते हैं, यार इसमें असला जा रहा होगा, कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसी बकवास कर रही है। सलाम आपकी सोच को, तो भाई किसी को देने भी तो जा रहा होता है ना पेशेंट को। अगर आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं तो आप CID में क्यों नहीं आ जाते, उसके कवर फोटो में आ जाएगा, वो जो आता ना इंतज़ार कीजिएगा, वो आप लोग भी उसी में आ जाएगा। या आपका काम है ही नहीं सोचना है कि आप देखें कि यार गाड़ी में कोई बैठा है नहीं बैठा हुआ, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। रूल्स हैं कि आपके पीछे एम्बुलेंस का सायरन बजे तो आपको जैसी जगह मिले आप हटें वहाँ से। अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपके पीछे एम्बुलेंस आई, आपने फुटपाथ पे चढ़ा दी गाड़ी, आपने रेड लाइट तोड़ दिया कि भाई मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही थी, क्योंकि इस वजह से आप और लोगों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया आपके रेड सिग्नल क्रॉस करने से, वो बंदा वहीं पे पड़ा हुआ होगा और आप पीछे वाले एम्बुलेंस को भी बोल रहे होंगे यार आप वैसे भी तो अस्पताल जा रहे हैं ना, इसको भी ले जाएगा वहाँ पे। खुदा के वास्ते एम्बुलेंस को जगह दें, वरना अगली बार आप एम्बुलेंस में लेटे हुए होंगे और आपके आगे गाड़ी वाला या बाइक वाला आराम से हेडफोन लगा के पान खा रहा होगा। प्लीज़ अपनी हरकतें ठीक कर लें और ड्राइविंग को सेफ बनाएं सबके लिए। और अगर मैंने इनमें से कुछ किया हो कभी, I'm sorry, आप जिसको भी जानते हैं जो ये हरकतें करता है उसको टैग करें, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, YouTube पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।